हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सो आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं नोज़ विद पेंसिल स्केच। सो विदाउट फर्दर डिले चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। सो शुरुआत करते हैं नोज़ की। सो मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूँ विद क्रीम कलर। क्रीम कलर से मैं बेस लेयर प्रोवाइड कर रहा हूँ नोज़ की, और उसके बाद मैं एज़ यूजुअल जैसा हमने आइज़ के साथ किया था वैसा ही हम सिनेमन कलर यूज़ करेंगे विद शेडो और डेप्थ देने के लिए। सो सबसे पहले मैं जितना भी नोज़ एरिया है उसे बेस लेयर उसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ, और बेस लेयर के बाद में हम सेकेंड लेयर इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। ओके गाइस, सो हमने बेस लेयर प्रोवाइड कर दी। अब हम नोस्ट्रल्स को ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। सो नोस्ट्रल को ड्रॉ करने के लिए मैं पहली लेयर अप्लाई कर रहा हूँ डार्क ब्राउन की, और उसके बाद में मैं ब्लैक के जरिए जो बाउंड्री लाइन है, जो अपर नोस्ट्रल एरिया है, उसे मैं थोड़ा सा डार्क ब्लैक करूँगा। सो स्टार्टिंग में हम सबसे पहले ब्राउन की फर्स्ट लेयरिंग को अप्लाई कर देते हैं। हमेशा ध्यान रखिए कि यहाँ पर आप जो कलर पेंसिल है उसे पिन पॉइंटेड यूज़ करें, शार्प करके यूज़ करें, बार बार शार्प करें, पिन पॉइंटेड रहने दें ताकि डिटेलिंग और ज़्यादा अच्छी आए। अब मैं ग्रे कलर है उसे यूज़ कर रहा हूँ। ग्रे कलर से मैं नीचे की तरफ थोड़ा सा डेप्थ दे रहा हूँ ताकि जो होल सेक्शन होता है वो दिखाई दे। ओके, अब उसके ऊपर मैं क्रीम कलर से मैंने यूज़ कर दिया है। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं बार बार इरेजर से जो मेरी आउटलाइंस हैं उन्हें इरेज कर रहा हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप कभी भी कलर पेंसिल को ग्रेफाइट के ऊपर यूज़ मत कीजिए, अदरवाइज़ वो ग्रेफाइट बाद में इरेज नहीं होगा। इसलिए हमेशा जब भी आप कलर फिल करें ग्रेफाइट को इरेज कर दें। ओके फाइन, अब हम जो इनर कर्वेचर है नोस्ट्रल का, जो नोज़ की जो बाउंड्री है, उसे मैं लाइट ब्राउन या पीच कलर यूज़ कर रहा हूँ। पीच कलर से मैं इसको थोड़ा सा शेडिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ। यह मैं फर्स्ट लेयर बेस लेयर प्रोवाइड नहीं की है मैंने क्रीम कलर से, डायरेक्ट मैं इसी लाइट ब्राउन को यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि इसके ऊपर हम फिर क्रीम कलर से ब्लेंडिंग करेंगे। ओके फाइन, इस तरीके से कर दी। अब हमको नोस्ट्रल का जो आउटर बाउंड्रीज़ है उसमें थोड़ा सा ब्राउन भी कवर देंगे हम। सो चलिए, जैसे मैंने पहले बोला था, हम ब्लैक कलर से इसको थोड़ा सा इन डेप्थ भी प्रोवाइड कर देते हैं। ब्लैक कलर से कॉन्ट्रास्टिक हो जाएगा और बहुत ज़्यादा अच्छा दिखने लगेगा। ओके, इतना होने के बाद में चलिए ब्राउन से हम थोड़ा सा बाउंड्रीज़ को पॉलिश कर देते हैं कुछ इस तरीके से। ओके गाइज, इतना हो जाने के बाद में हम जो नोज़ का बाकी जो एरिया है उसमें शेडिंग प्रोवाइड करेंगे। सो हमेशा याद रखिए, नोज़ के अंदर जो नोस्ट्रल एरिया होता है उसके ऊपर एरिया होता है, जैसा कि मैं अभी आपको ड्रॉ कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि नीचे की तरफ मैंने पूरा एक वाइट पोर्शन छोड़ा है। ये सेकेंड इंक्लाइन प्लेन होता है। आप अगर बेसिक्स ड्रॉइंग के समझेंगे तो डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेन होते हैं हमारे फेस के अंदर, उन्हीं के अकॉर्डिंग हम शेयर जो शेडिंग होती है वो करते हैं। ओके गाइज, इतना हो जाने के बाद में अब हम जो नाक का जो लोअर पोर्शन है या सेकंड प्लेन है उसमें हम बेस लेयर प्रोवाइड करेंगे क्रीम कलर से। लेकिन आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, जैसा कि मैं नोज़ का जो टॉप है उस पर एक वाइट स्पॉट छोड़ रहा हूँ, ये हाईलाइट जोन है, इसको ज़रूर छोड़िए। नोज़ के अंदर थोड़ा रियलिज्म आने लगता है। ओके फाइन, अब मैं सेकेंड लेयर के अंदर ब्राउन कलर, लाइट ब्राउन या जो पीच कलर मैं उसका यूज़ कर रहा हूँ, और उसके थ्रू जो सेकेंड लेयर है वो प्रोवाइड कर रहा हूँ। यहाँ हमारा मेन जो एम होना है वो जो नोज़ का जो राउंड शेप है वो मेंटेन रहना चाहिए, हमारा मेन हमारा पर्पस वही है। ओके फाइन, सो आप फाइनल वीडियोस को आप देखिए, पूरा वीडियोस को चेक कीजिए, और आपको पूरा नोज़ का ये ट्यूटोरियल बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको ट्यूटोरियल अच्छा लगा है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, और मैं इस वीडियो पर और भी ऐसे इंपॉर्टेंट ट्यूटोरियल अपलोड करता रहूँगा। सो इस सीरीज़ को ज़रूर देखिए, ये इस सीरीज़ का सेकेंड पार्ट है। इससे पहले मैंने आपको सिखाया है किस तरीके से आप हेयर ड्रॉ कर सकते हैं रियलिस्टिक विद डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर, और जो हमारे कॉमन पेंसिल कलर अवेलेबल होते हैं लोकली उनके थ्रू। सो थैंक्स टू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इन्जॉय कीजिए वीडियो को। ओके गाइस, सो सारी डिटेलिंग मैंने आपको इसमें दिखा दी है, और आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको नई वीडियो में नए स्केच के साथ। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं रियलिस्टिक लिप्स एंड रियलिस्टिक जो दाढ़ी होती है बियर्ड, वो। चलिए मिलते हैं।